आज सुपर संडे के पहले मुकाबले में मेजबान मुंबई इंडियंस ने केकेआर के सामने इस साल की दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू किया। वही सूर्य कुमार यादव ने कई मैचों के बाद अपना जलवा दिखाया। अगर आप अर्जुन तेंदुलकर और सूर्य कुमार यादव को बेस्ट प्लेयर मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अर्जुन तेंदुलकर ने लंबे वक्त के बाद पहली बार मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाई। मैच से पहले रोहित शर्मा ने इस खिलाड़ी को कैप पहनाई। उस वक्त अर्जुन तेंदुलकर काफी भावुक दिखाई दिए। इस मैच में अर्जुन ने पहली और तीसरी ओवर में गेंदबाजी की। अर्जुन ने अपने दो ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, लेकिन उसे कोई विकेट नहीं मिला। अगर बात करें इस मैच की तो मुंबई इंडियंस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की टीम ने 20 ओवर में 185 रन बनाए, लेकिन मैच में सबका ध्यान खींचा केकेआर के धाकड़ बल्लेबाज वेंकटेश अय्यर ने। अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 51 गेंदों पर 104 रन बना दिए। अपनी इस पारी में उसने 9 गगनचुंबी छक्के और 6 चौके लगाए। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार शुरुआत की। मुंबई ने पहले 4 ओवर में टीम का स्कोर 60 रन तक पहुंचा दिया। ईशान किशन ने लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन करते हुए सुनील नारायण को एक ओवर में 22 रन जड़ दिए और 21 गेंद पर अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। ईशान ने अपनी पारी में 5 बेहतरीन सिक्स लगाए और 25 गेंदों पर 58 रन की पारी खेली। जब 20 रन पर रोहित शर्मा आउट हुए तो मैदान पर आए सूर्य कुमार यादव। सब यह देखना चाहते थे कि वो आज कैसा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन सूर्य कुमार ने अपना फॉर्म दिखाते हुए 25 गेंदों पर 43 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी में सूर्या ने अपनी स्टाइल में 3 सिक्स लगाए। साथ में तिलक वर्मा ने 30 और टीम डेविड ने 24 रन बनाकर 17.4 ओवर में 186 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया और इस टूर्नामेंट की दूसरी जीत अपने नाम की। दोस्तों, आप मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स में से किस टीम को सपोर्ट करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।